हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल से हमारी रिवीजन सीरीज़ चालू हुई है RTMNU BCOM 4 सेमेस्टर के लिए, और कल हमने अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर कोई डाउट रहे आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आज हम चालू करने वाले हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रिवीजन हम करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स के यूनिट 1 का रिवीजन करवाने वाली हूँ। तो इनकम टैक्स के यूनिट 1 में सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इनकम टैक्स के? इनकम टैक्स सबसे पहले होता क्या है? तो इनकम टैक्स ऐसा टैक्स है जो कि किसी पर्सन के टोटल इनकम पे लगाया जाता है। ये टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर पे चार्ज किया जाता है, और इसको पेड करना पड़ता है आपको असेसमेंट ईयर में, यानी कि जो भी सक्सीडिंग ईयर है, इनकम कमाने के आगे वाला जो ईयर है, सक्सीडिंग ईयर, उसे असेसमेंट ईयर बोला जाता है, और उस ईयर में आपको उसे पेमेंट करना पड़ता है। अब जानते हैं कि इनकम टैक्स जो लगाता है, तो वो कौन इनकम टैक्स लगाएगा हमारे पे? इसका जो भी हिस्सा है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट बाद में ये जितना भी टैक्स हमारा बनता है उसमें से कुछ सेंट्रल और कुछ स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट के अलग रूल्स है उस हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इनकम टैक्स की रेट जो होती है वो एनुअल फाइनेंस एक्ट में फिक्स्ड की जाती है। और इनकम यानी क्या? तो इनकम की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 24। और इनकम टैक्स हमने जो पढ़ा वो किस में दिया था? सेक्शन 4 में। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद रखते हो तो एक आधा प्रश्न इस पे बन सकता है, ज़्यादा इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे नहीं। इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं सारे अगर पढ़ते बैठी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची वाली काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम यानी क्या होता है? ग्रॉस टोटल इनकम यानी टोटल इनकम जो कि कंप्यूट की गई है अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस, बट उसमें से डिडक्शन होने का है। सेक्शन 80C और सेक्शन 80U के हिसाब से जितने डिडक्शन होने रहते हैं वो डिडक्शन के पहले की जो इनकम होती है उसे ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। और टोटल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम यानी ग्रॉस टोटल इनकम जो निकाले थे हमने उसी में से कुछ डिडक्शन करनी होती है अंडर सेक्शन 80C और 80U। तो वो डिडक्शन करने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है उसे टोटल इनकम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंसेस दिया है। कैपिटल एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कि नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार हमारे बिजनेस में नहीं होते हैं, उन खर्चों को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंसेस। और रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी रिकरिंग एक्सपेंसेस जो बार बार हमारे बिजनेस में होते रहते हैं उन्हें कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब जानते हैं रेवेन्यू लॉसेस वर्सेस कैपिटल लॉसेस क्या होते हैं। यहाँ पर भी वही फंडा यूज होता है। रेवेन्यू लॉसेस यानी ऐसे लॉसेस जो कि हमारे रेगुलर बिजनेस से कनेक्टेड होता है उसे रेवेन्यू लॉसेस कहा जाएगा। जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड में अगर कुछ डिस्ट्रक्शन होता है, या फिर गुड्स सोल्ड सेल ऑफ गुड्स में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन सारी चीज़ों से जो लॉस होता है उन्हें रेवेन्यू लॉस कहा जाएगा। वही अगर कुछ कैपिटल असेट्स को लॉस होता है तो उन्हें हम कैपिटल लॉस में इंक्लूड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट यानी ऐसे रिसिप्ट यानी कि ऐसी इनकम जो कि हमें से किसी असेट के सेल करने से होती है, और रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कुछ प्रोडक्ट है हमारा उसे सेल करने से जो भी हमारी इनकम होती है उन्हें रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। कैपिटल रिसिप्ट रेगुलर रिसिप्ट नहीं होती है, ये बार बार हमारे बिजनेस में नहीं होती है। वही रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है ये फ्रीक्वेंटली हमारे बिजनेस में चलती ही रहती है। अब जानते हैं प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फ़र्क है। असेसमेंट ईयर यानी वो ईयर जिसमें हम इनकम का असेसमेंट कर रहे हैं, इनकम को असेस कर रहे हैं कि हमारी कितनी इनकम हुई है, और उस पर हम टैक्स
पे करने वाले हैं, तो वो जो ईयर होता है उसे असेसमेंट ईयर कहा जाता है, और वही प्रीवियस ईयर यानी जिस ईयर में हमने टोटल इनकम कमाई है उसे प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और उसी के नेक्स्ट ईयर को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 31। पर्सन मतलब पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये सारे जितने भी हैं वो इंक्लूड होते हैं पर्सन के डेफिनेशन में, मतलब जहाँ पर भी हमारे इनकम टैक्स में पर्सन ये शब्द लिखा है तो वहाँ पर इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP इनमें से कुछ भी मतलब इनमें से सारे चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। अब SSC यानी क्या होता है, SSC यानी ऐसा पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन हमने पहले ही देख ली है, पर्सन मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं, HUF वगैरह भी पर्सन में इंक्लूड होते हैं। तो SSC यानी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, जिसके इनकम पे हम टैक्स लगा रहे हैं, तो उसे बोला जाता है SSC। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है एग्रीकल्चरल इनकम एंड इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है वो सेक्शन 10 क्लॉज 1 के हिसाब से एग्जेम्प्ट होता है, इस पे टैक्स नहीं लगता है, बट कुछ नॉन कॉरपोरेट SSCs जो होते हैं उनको एग्रीकल्चरल इनकम, उनकी एग्रीकल्चरल इनकम भी टैक्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। कुछ गवर्नमेंट्स, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जिनके खुद का एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट है अलग से, तो इनमें महाराष्ट्र भी इंक्लूड है। कंपोजिट इनकम, कंपोजिट इनकम यानी ऐसे इनकम जो कि पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम होती है और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, इसे कहा जाता है कंपोजिट इनकम। अब जानते हैं AOP और BOI क्या होता है। AOP यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, पर्सन की डेफिनेशन हमने देख चुके हैं जिसमें HUF भी इंक्लूड होता है, कंपनीज भी इंक्लूड होती हैं, फर्म भी इंक्लूड होता है, इंडिविजुअल भी इंक्लूड होता है। तो ऐसे पर्सन की, ऐसा पर्सन का ग्रुप जो कि ज्वाइन होते हैं खुद की इच्छा से ताकि वो जॉइंट एंटरप्राइज का प्रमोशन कर सके। और वहीं BOI यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल्स ही होते हैं, इसमें कंपनी या फर्म इंक्लूड नहीं किए जा सकते क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल शब्द है, पर्सन शब्द नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जो ग्रुप बनाते हैं और उनका कोई कॉमन मोटिव नहीं होता है, कॉमन प्रॉफिट अर्निंग का या फिर कोई भी ऐसा कॉमन मोटिव नहीं होता है, बट बस वो ग्रुप बनाते हैं और एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तैयार हो जाती है, इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। आगे बढ़ते हैं HUF। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ऐसी फैमिली होनी चाहिए जो कि जिनके जो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती हो। HUF में हिंदू लॉ के दो स्कूल्स को कवर किया गया है, एक दयाभागा और एक मिताक्षरा। दयाभागा ज़्यादातर वेस्ट बंगाल और असम में प्रिवेलेंट है और वही मिताक्षरा होल ऑफ इंडिया यानी पूरे इंडिया में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल और असम। वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में मिताक्षरा का स्कूल ऑफ हिंदू लॉ चलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है चाहे फिर वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, AOP हो, BOI हो, सारो का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है और उसी पे फिर हमारा टैक्सेबल इनकम डिपेंड करता है कि कितना इनकम हमारा टैक्सेबल होगा और कितना नहीं। तो सबसे पहले दो कंडीशन होती हैं जिसे बेसिक कंडीशन बोला जाता है, वो दो कंडीशन कौन सी होती है वो जान लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 182 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल जिस साल का हम इनकम असेसमेंट कर रहे हैं तो उस साल एटलीस्ट 182 डेज का प्रेजेंस होना चाहिए इंडिया में, 182 डेज वो बंदा, वो पर्सन रहना चाहिए। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कम से कम 60 डेज रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में और उस प्रीवियस ईयर के पहले चार साल 365 डेज वो
इंडिया में रहना चाहिए। तो ये दो बेसिक कंडीशंस है, या तो वो ए फुलफ़िल करे या तो वो बी फुलफ़िल करे, या तो दोनों भी फुलफ़िल करे तो भी सही है, चलेगा। इसके बाद दो एडिशनल कंडीशंस भी दिए गए हैं जो कि ऐसे हैं, रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 out of 10 ईयर्स प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के पहले 10 साल, मतलब पिछले साल के 10 साल पहले एटलीस्ट 2 साल वो रेसिडेंट रहना चाहिए इंडिया का। और दूसरी कंडीशन ऐसी है कि वो प्रीवियस ईयर के पहले 7 साल में एटलीस्ट 730 डेज इंडिया में मौजूद होना चाहिए। अब जानते हैं ये बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशंस का क्या काम होता है, आपको रेसिडेंशियल स्टेटस है या नहीं उसे डिटरमाइन करने में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है, मतलब किन्हें एक्सेप्शंस होते हैं। इंडियन सिटीजन्स में से अगर आप एम्प्लॉयमेंट या फिर क्रू मेंबर बन के जा रहे हो इंडियन शिप के द्वारा, तो आपको एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट किया जाता है और आपको सिर्फ बेसिक कंडीशन ए एप्लीकेबल होती है जो कि है एटलीस्ट 182 डेज इंडिया में रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में, तो वही आपको एप्लीकेबल होती है और बी एप्लीकेबल नहीं होती है और इसलिए एक्सेप्शंस में आते हो। और अगर आप इंडियन सिटीज़न के हो या फिर अगर आप ऐसे इंडियन ओरिजिन के पर्सन हो जो कि अब्रॉड में रहते हैं और वो विज़िट करने आते हैं इंडिया में, तो उन्हें भी कंडीशन ए एप्लीकेबल होती है और कंडीशन बी में इंस्टेड ऑफ 60 डेज 182 डेज कर दिया जाता है। यानी कि अगर आप 181 डेज भी अगर रहते हो इंडिया में, फिर भी आपको रेसिडेंट नहीं माना जाता है, आपका नॉन रेसिडेंट स्टेटस बरकरार रहता है। इसके बाद जान लेते हैं कि पीरियड ऑफ स्टे डिटरमाइन कैसे किया जाता है। तो 24 घंटे को एक दिन माना जाता है। अगर आप 10 दिन 23 घंटे दिल्ली में रहते हो और 10 दिन 2 घंटे नागपुर में रहते हो, तो इंडिया में आपका टोटल कितने दिन स्पेंड हुए ये अगर कैलकुलेट करना है, तो 10 डेज 2 आवर्स प्लस 10 डेज 23 आवर्स करने के बाद 21 डेज 1 आवर निकलता है, जिसे कि हम मानते हैं 21 डेज, वो 1 आवर कैलकुलेट नहीं होता है, 21 डेज पे आपका डेज का कैलकुलेशन होता है। तो इस तरीके से आपका पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद अब आपको अगर पता करना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल और HUF में अलग निकलता है और वही बाकी के जो पर्सन होते हैं उन पर अलग निकलता है। इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन में एनी वन अगर फुलफ़िल करती है, या तो वो 182 डेज इंडिया में रहता है प्रीवियस ईयर में, या फिर अगर वो प्रीवियस ईयर के पहले 4 ईयर्स में 365 डेज रहता है और पिछले ईयर में 60 डेज इंडिया में रहता है, इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन या फिर अगर दोनों कंडीशन फुलफ़िल करता है तो वो रेसिडेंट माना जाता है, और अगर वो फुलफ़िल नहीं करता है इन दोनों में से कोई भी, तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाता है। अब इसके बाद भी इंडिविजुअल में एक और एडिशनल कंडीशन होती है जो कि हमने पढ़े थे कि वो अगर प्रीवियस ईयर के पहले 10 साल में से 2 साल अगर रेसिडेंट इन इंडिया है, या फिर अगर प्रीवियस ईयर के पहले 7 साल में 730 डेज वो इंडिया में प्रेजेंट रहा है, और ये दोनों कंडीशन अगर वो फुलफ़िल करता है वो इंडिविजुअल, तो उसे कहा जाता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। और अगर इसमें से एक कंडीशन या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो फिर उसे कहा जाता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं, HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकाला जाता है देखते हैं। HUF के रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए अगर प्रीवियस ईयर में कंट्रोल और मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है, तो उसे रेसिडेंट माना जाता है, और अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर में होली इंडिया के आउटसाइड सिचुएटेड है, तो उसे नॉन रेसिडेंट कहा जाता है। HUF में HUF का कर्ता या फिर मैनेजर अगर एडिशनल कंडीशन के दोनों
कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो फिर HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट माना जाता है। वही अगर करता है या मैनेजर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF में होता है, बाकी के पर्सन में ये नहीं होता है। अब जानते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैसे निकालते हैं। तो अगर इन सब का कंट्रोल और मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर में इंडिया में सिचुएटेड है होल्ली या पार्टली तो वो रेसिडेंट माना जाता है, और अगर होल्ली कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर सिचुएटेड है प्रीवियस ईयर में तो उनसे फिर नॉन रेसिडेंट कहा जाता है। वही रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, आइए देखते हैं। अगर इंडियन कंपनी है तो उसका हमेशा स्टेटस रेसिडेंशियल ही होता है, और अगर फॉरेन कंपनी है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो फिर उसे रेसिडेंट स्टेटस दिया जाता है, और अगर उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्लेस आउटसाइड इंडिया है तो उसे फिर नॉन रेसिडेंट का स्टेटस दिया जाता है। अब जानते हैं कि ये स्टेटस पे से आपका टैक्स से क्या संबंध है। तो अगर आप रेसिडेंशियल और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो तो आपकी जितनी भी इनकम आपको इंडिया में रिसीव होती है या फिर अगर डीम्ड टू बी रिसीव होती है तो वो आपकी टैक्सेबल होती है। साथ ही ऐसी इनकम जो एक्रू या अराइज होती है इंडिया में या फिर डीम्ड की जाती है, मतलब मान ली जाती है कि इंडिया में एक्रू या अराइज हुई है, तो वो भी टैक्सेबल होती है। और साथ ही ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया आपको एक्रू या अराइज होती है तो वो भी टैक्सेबल होती है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट SSCs के लिए। अब जानते हैं अगर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उनकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। तो उनकी इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है या फिर मान ली जाती है कि इंडिया में रिसीव हो रही है, ऐसी इनकम टैक्सेबल होती है। और अगर उनकी कोई ऐसी इनकम है जो कि इंडिया में एक्रू या अराइज हो रही है या फिर मान ली जा रही है एक्रू या अराइज हो रही है तो वो भी इनकम टैक्सेबल होती है। जो इंडिया के बाहर इनकम हो रही है तो वो इंक्लूड नहीं होती है अनलेस वो इनकम ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से आ रही हो जिसका बिजनेस कंट्रोल पूरा इंडिया में सेटअप है, तो फिर ऐसी इनकम टैक्सेबल होती है वरना नहीं होती है। अब जानते हैं नॉन रेसिडेंट अगर है तो उनकी कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। नॉन रेसिडेंट के केस में जो भी इनकम आप इंडिया में रिसीव कर रहे हैं या फिर डीम टू रिसीव इन इंडिया, मान लिया गया है कि आपको इंडिया में रिसीव हुआ है तो वो सारे इनकम आपके टैक्सेबल होती है। उसके बाद जो भी इनकम आपको एक्रू या अराइज हो रही है इंडिया में या फिर आपको मान लिया जा रहा है एक्रू या अराइज हो रही है इंडिया में तो वो इनकम भी टैक्सेबल होती है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। इसके बाद आपको कुछ प्रॉब्लम दिए हुए हैं जहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है या फिर आपको इनकी कितनी टैक्सेबल इनकम है वो कंप्यूट करना है, जो कि आप इजीली कर सकते हो अगर आपने इधर तक लेक्चर सुना है तो, मतलब कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी नहीं वो हमने अभी डिस्कस कर लिए, तो उस हिसाब से आप इजीली कंप्यूट कर सकते हो। उसे सिर्फ टोटल करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखे जा सकते। इसके बाद और एक टॉपिक है इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इसमें सारी ऐसे इनकम दी गई है जो कि टैक्स से छूट दी है, ऐसी इनकम जो टैक्सेबल नहीं होती है। तो ये सारे इसके सिर्फ आप हेडिंग पढ़ लेना ताकि आपको पता रहे कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होती है, और आप उसे ऐड ना करें जब आप कंप्यूट कर रहे हो टैक्सेबल इनकम। तब रही बात आपके पेपर की, तो पेपर में बोला जा रहा है कि इस बार 5 प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पिछली बार के जैसे सिर्फ MCQs नहीं आने वाले हैं, इस बार 5 प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहला है सिंगल करेक्ट ऑप्शन, दूसरा है डबल करेक्ट ऑप्शन, तीसरा है मैच द फॉलोइंग, चौथा है ट्रू और फॉल्स, और पांचवा है फिल इन द ब्लैंक्स। इन 5 प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा बनाने के चांसेस बहुत है क्योंकि यहाँ पर
कई तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सिंगल करेक्ट ऑप्शन में आपको सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, डबल करेक्ट ऑप्शन में दो सही आंसर रहेंगे, दो आंसर्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैच द पेयर नॉर्मल मैच द फॉलोइंग जैसा रहेगा। ट्रू फॉल्स में सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसे आप ट्रू है या फॉल्स है डिटरमाइन कर सकते हो। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स तो जैसे आप नॉर्मल अभी तक सॉल्व करते आते हो वैसे ही रहेंगे। इस लेसन में और कुछ नहीं है, इतना आप पढ़ लेते हो तो भी काफ़ी है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और इसके आगे के यूनिट के भी रिविज़न हम अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।